हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये फ्रेडी कई कारणों से घबरा जाता है, मगर जब उसे एक आत्मा दिखाई दी तो पूछो मत कि क्या हुआ। वैसे ये आत्मा वगैरह की बात चलती है तो दो तीन बातें दिमाग में आ जाती है। एक तो ये कि लोग हमेशा बुरी आत्माओं के बारे में क्यों सोचते हैं। ये आत्माएं न जाने कहां से आती हैं और आदमी को इतना डरा देती हैं कि उसकी मौत हो जाती है। ऐसा जब कोई केस हमारे पास आता है तो हमारा दिमाग भी चकरा जाता है। हम भी सोचने लगते हैं क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आत्मा किसी का खून कर दे। क्या छोड़िए, ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आत्मा पहले कावेरी को दिखी और फिर मुझे दिखी। मैं तो भागा उसके पीछे मगर मिली नहीं। मिला तो उसके पैरों का निशान, पैर के जूते का निशान। देखिए आप, जब आत्मा के पैर का निशान मिलता है तो क्या होता है। रागनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज नीचे आ जाओ रागनी। ईशान, वो मुझे मार डालेगा, वो मार डालेगा मुझे। रागिनी बेटा नीचे आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा आ जाओ, नीचे आ जाओ। नहीं 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 नहीं, इसके पहले कि वो मुझे मारे मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती आप उसको, नहीं जानती। नहीं भाभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चलो चलो नीचे उतरो जल्दी। एसीपी साहब प्लीज मेरी रागिनी को बचाइए, कुछ कीजिए उस आदमी का। अगर अगर आज में नहीं होता तो वो तो छत से कूद ही गई थी। पर है कौन ये आदमी? रागिनी ने तुम्हें उसके बारे में कुछ तो बताया होगा? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आज सुबह इसके हाथ में कुछ लेटर्स थे और ये चिल्ला रही थी कि वो मुझे मारने वाला है। मुझे लगता है ये वही आदमी जिसने लेटर्स लिखे। वो लेटर्स है आपके पास? जी हाँ। गुड, जरा जल्दी ले आइए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इसकी वाइफ को तंग कर रहा है और इसे कुछ पता ही नहीं? वही तो। ये लीजिए। पांच लेटर्स। ये पांचों लेटर्स एक साथ आए थे क्या? नहीं, हर एक महीने एक लेटर आता था हमारे घर। हर महीने? मतलब पिछले पांच महीने से कोई रागिनी को लेटर लिख रहा है और तुमने अभी तक किसी को बताया तक नहीं? जी तुम मुझसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें किसी भी तरह ढूंढ निकालूंगा। सर ये लेटर धमकी के अलावा कुछ और भी लग रहा है। रागिनी, रागिनी बेटा संभालो अपने आप को, संभालो।
देखा, जब ये लेटर्स देखती है ऐसे ही बड़बड़ाने लगती है, कभी चीखने लगती है, कभी रोने लगती है। आपने पोस्ट ऑफिस से पता करने की कोशिश नहीं की कि ये लेटर्स कौन भेज रहा है? नहीं, ये लेटर्स पोस्ट ऑफिस से नहीं आए, ये हमें घर के बाहर पड़े मिलते थे। मैंने वॉचमैन से भी मालूम करने की कोशिश की लेकिन उसको भी कुछ नहीं मालूम। अपने 5 महीने से कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो आदमी आए और आपकी वाइफ को मारे? I'm sorry to say, Mr. Ishan, लेकिन आपकी वाइफ के इस हालत के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। I'm sorry, sir. मुझसे जो भी हो सकता था मैंने वो सब कुछ किया। So, Mr. Ishan, क्या आप रागिनी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा मतलब है शादी से पहले अगर कुछ हुआ हो तो, you know? ज्यादा क्या बताऊं सर, रागिनी की माँ बचपन में गुजर गई थी। हाँ, अगर आप चाहें तो रागिनी के डैड से मिल सकते हैं, मिस्टर महेश, शायद वो कुछ मदद कर दें। सर, मिस्टर महेश सर, रागिनी के पिताजी। एसीपी साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? जी हाँ। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ऐसा ही कुछ होगा। आपको आपको मालूम था कि आपकी बेटी आत्महत्या करने वाली है? जी हाँ सर। तो फिर आपने ये बात अपने दामाद ईशान को क्यों नहीं बताई? साहब, होने वाले दामाद को कैसे बताता कि शादी से पहले वो किसी और से प्यार करती थी? आपकी बेटी किसी और से प्यार करती थी? हाँ साहब। किससे? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। ये कैसे हो सकता है महेश जी? आपकी बेटी किसी और से प्यार करती थी और आपको मालूम नहीं? एसीपी साहब, मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की थी लेकिन वो उस लड़के से इतना डरती थी कि उसका नाम तक अपनी जबान पर लाने की कभी हिम्मत नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि एसीपी साहब को उसको मारता था, पीटता था, उसकी डर की वजह से उसने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसकी जान बचा कर मैं उसे मुंबई ले आया और एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका इलाज भी करा। और ईशान से शादी, लव मैरिज है? नहीं एसीपी साहब, उस इलाज के दौरान मेरी मुलाकात ईशान से हुई थी। ईशान, ईशान बहुत अच्छा लड़का है एसीपी साहब, और रागिनी भी उसे पसंद करने लगी थी। ईशान ईशान तो उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या? लेकिन फिर से वो धमकी वाले लेटर्स आने लगे। फिर से? मतलब ये लेटर्स पहले भी आते थे क्या? हाँ साहब, काफी से पहले आते थे। वो लेटर्स हैं आपके पास? है सर, हैं। गुड, आप चिंता मत कीजिए महेश, हम उस पागल आशिक को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे, बस वो लेटर्स हमें दीजिए। तुम्हें क्या लगता है बाहर वो मेरा इंतजार कर रहा होगा मुझे मारने के लिए? अगर वो बाहर है भी तो मैं हूं ना। रागिनी, एक बात पूछूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे? पूछो। जिस आदमी के बारे में तुम हमेशा जिक्र करती हो वो कौन है? मैं नहीं बताऊंगी। रागिनी प्लीज, हमारे ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लड़का कौन है जिसके बारे में तुमने अपने डैडी को भी नहीं बताया है और ना ही ईशान को। वो ना, मुझसे कुछ मत पूछो। आप अकेला छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ो, मत पूछो मुझसे कुछ। ओके, रिलैक्स, काम डाउन। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना था। रिलैक्स, काम डाउन रागिनी, काम डाउन। ओके, काम डाउन। ठीक हूँ मैं। क्या तुम मेरा मेरा टॉनिक ला दोगी बाथरूम से? इन आशिकों के बारे में कुछ भी बोलना मुश्किल है, कब क्या कर बैठे हैं कह नहीं सकते। कुछ पता चला? एक ही आदमी है सर, एक ही आदमी,
पुराने वाले लेटर्स और नए वाले लेटर्स दोनों एक ही आदमी ने लिखे हैं। एक ही आदमी? अभिजीत, किसी भी हालत में इस आदमी को ढूंढ कर निकालो। इसे सिखाना पड़ेगा कि एक लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का क्या नतीजा हो सकता है। और दया, जब तुम उसके हाथ पर तोड़ोगे ना, तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रागिनी का बॉयफ्रेंड 3 साल तक चुप क्यों रहा और 3 साल बाद अभी अचानक फिर से लेटर लिखना शुरू कर दी? हाँ सर, 3 साल तक चुप बैठा था, क्यों? हो सकता है कि उसने रागिनी को कहीं अचानक देखा हो, या फिर उसके साथ कुछ बात हो गई जिसकी वजह से पुरानी आग भड़क उठी। सर, ये रागिनी का बिहेवियर भी बड़ा अजीब है। क्या मतलब? सर, ये उस आदमी का नाम क्यों नहीं बता रही है जो इसे तंग कर रहा है? वही तो, एक आदमी उसकी जान के पीछे पड़ा है और ये लड़की उसका नाम बताने को तैयार नहीं। हाँ सर, कोई तो कारण है जो आत्महत्या करने की नौबत आई। और कुछ पता चलता है इस आदमी की लिखावट से, हैंडराइटिंग से? सर, इस आदमी का दिमाग सही जरा से नहीं चलता है। अगर इसके हम अल्फाबेट को गौर से देखें सर, सर ये देखिए कान, ये 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 बहुत उठे हुए हैं सर। और इसके कोने देखें सर, अगर ये 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 तो सर बहुत ही तेज़ है, जिससे ये पता चलता है कि ये शख्स बहुत ही तेज़ दिमाग का है और बहुत ही गुस्से वाला है, जो एक ही काम को बार बार करता रहता है, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। फ्रेडरिक्स, इनके साथ बैठकर इस आदमी के पूरी पर्सनालिटी का प्रोफाइल बनाओ। इस आदमी के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, यहां तक कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा, सब कुछ। हमें इससे एक कदम आगे रहना है। साहब, आपने इसे मेरी बेटी की देखभाल के लिए रखा था ना, फिर कैसे हुआ? देखिए, इन्होंने पूरी कोशिश की थी, मगर आपकी बेटी जान देने पर तुली हुई थी। लेकिन उसको रोकना चाहिए था। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ऑफिसर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आप लोगों की आंखों के सामने सामने हुआ ये सब। सर, रागिनी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। मैं जैसे कैसे बाहर निकली, देखा तो पूल की तरफ भाग रही थी। और मैं नीचे आई तब तक तो वो। कावेरी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने पूरी कोशिश की है। बात समझ में नहीं आ रही कि रागिनी ने कावेरी को बाथरूम में क्यों बंद किया होगा। अभिजीत, अगर कावेरी को बाथरूम में बंद ना करती तो आज वो बच जाती। मतलब साहब, ऐसा इसने तय कर रखा था कि जान देनी ही देनी है। बस बोल दिए, जान देनी है और अलग हो गए। मगर सर, अगर ये लड़की पानी में कूदी है तो कावेरी के यहाँ पहुँचने तक उसकी मौत कैसे होगी? पानी में तो इतनी जल्दी किसी की मौत नहीं होती। सर, मुझे तभी तो ये शॉक लग रहा है कि वो एक सेकंड पहले तक तो वो पूल की तरफ भाग रही थी। मैं नीचे पहुँची तो मर चुकी थी। मुझे मुश्किल से आधा मिनट ही लगा होगा सर नीचे आने में। मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गोल्डन एंकलेट। विवेक। हाँ सर। ये देख, गोल्डन एंकलेट शायद भागते वक्त रागिनी के पैर से निकल गया होगा। यस सर। सपने क्यों आ रहे?
मुझे क्या, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश करी थी। क्या आप बता सकते हैं रागिनी शादी के बाद क्या आपने किसी दोस्त या सहेली से मिली थी? नहीं, मेरे सामने तो नहीं। मैं बता सकता हूं वो किससे मिली थी। आप? जी हां, कावेरी। कावेरी। यस सर। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं सर, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे होते हुए रागिनी की मौत हो गई। एक काम करो, यूनिवर्सिटी से रागिनी के क्लास में जितने सारे स्टूडेंट्स से उन सब के आंसर पेपर्स मंगवाओ। सारे के सारे पेपर्स? उससे क्या होगा? हमारे पास उस लड़के की हैंडराइटिंग है, वो धमकी भरे लेटर्स। हम उस हैंडराइटिंग को आंसर पेपर की हैंडराइटिंग से मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा वो लड़का है कौन। एक एक पेपर को अच्छी तरह से चेक करो, कोई भी पेपर छूटना नहीं चाहिए। 40 स्टूडेंट्स थे सर रागिनी की क्लास में, 40। तो अब तो कुछ नहीं सर। क्यों, तुम्हें कुछ तकलीफ है? तकलीफ किस बात की सर? सर ये तो मेरा काम है सर। काम ही है ना, तो फिर भले 100 पेपर्स हो, एक एक पेपर चेक होना चाहिए, सबकी हैंडराइटिंग मिलाकर देखो। क्या हुआ भैया, कुछ मिला? सर ये जो एंकलेट हमें स्विमिंग पूल के पास से मिला था, ये सोने का है। हाँ, तो फिर? और रागिनी के बॉडी के ऊपर जितने भी गहने थे उसमें एक भी सोने का नहीं है। सर कुछ पता चला उस लड़के का? नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन समझ लो कि मिल ही गया। मैं जी जरा ये देखिए, ये रागिनी का है? अरे नहीं नहीं, ये रागिनी का नहीं है। ये रागिनी का हो ही नहीं सकता। देखिए हमें वहीं पे मिला है जहाँ पे रागिनी की बॉडी मिली थी। मैंने कहा ना, ये रागिनी का हो ही नहीं सकता। रागिनी को सोने से एलर्जी थी, वो अपने बदन पर सोना नहीं पहनती थी। Are you sure? जी हाँ, रागिनी सोना नहीं पहनती थी। ये रागिनी का नहीं है तो फिर किसका है? सब मिल गया। इस पेपर पे जो हैंडराइटिंग है सर, वो इस हैंडराइटिंग से मैच हो रही है। हाँ विवेक, हैंडराइटिंग मैच तो हो रही है, यही है। किसका पेपर है ये? सर उस लड़के का रोल नंबर मिल गया है जिसने उधमकी पर लेटर्स भेजे हैं। ग्रेट, देख काम करो, कॉलेज में फोन करके इस लड़के का नाम और पता मालूम करो, तब तक हम देखते हैं ये एंकलेट है किसका।
ये एंकलेट आप में से किसी ने देखा इसे? ये आप में से किसी का है? किसका है ये एंकलेट? कहां मिला आपको? उसी स्विमिंग पूल से जहां से मैं रागिनी की लाश मिली। पर ये एंकलेट आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के अलावा इस होटल में कोई भी नहीं है, तो ये एंकलेट आप में से किसी का होगा। तो जिस किसका भी ये एंकलेट है वो सामने आ जाए। इन सब के ब्लड का सैंपल लेते हैं, एंकलेट में जो खून लगा हुआ है उसे मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। बिल्कुल लावण्या, सब के ब्लड सैंपल ले लो। यस सर। ये क्या मजाक है? हमारा खून लेकर क्या फायदा? फायदा है, आपका ब्लड डीएनए और इस एंकलेट पे जो खून लगा उसका डीएनए मैच करके देखेंगे, ये एंकलेट किसका है पता चल जाएगा। जा रही हो तुम? रुक जाओ। ये एंकलेट ये तुम्हारा ही है ना? क्यों रागिनी को क्यों मारा तुमने? मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर ये एंकलेट यहाँ पर कैसे? तुम यहीं पर होगी ना, इसीलिए। क्यों? मुझे रागिनी पहले से अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उसे फोन पे किसी से बातें करते हुए सुना, वो यहाँ किसी के साथ आने वाली थी। यहाँ पे? यहाँ पे। तो मैं उसका पीछा करते करते यहाँ चले आई और मैंने छिपकर उसे किसी से बातें करते हुए सुना। किसे? कौन था वो? कोई आदमी था सर। तुमने देखा उसे? नहीं, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और कोई मुझे देख ना ले, इस डर से मैं वहां से भाग निकली। शायद तभी मेरा ये एंकलेट यहाँ गिर गया होगा। कहीं वो आदमी ईशान तो नहीं था? नहीं, वो ईशान नहीं हो सकता, वो कोई और था। तो फिर कौन था वो? हैं? उसकी आवाज से कुछ तो पता चला होगा। नहीं सर, उसकी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर क्या? पर उस दिन रागिनी ठीक ठाक लग रही थी, उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। बड़ा अजीब चक्कर। तो कोई भी नहीं। रागिनी मर चुकी है कावेरी। सर मैं जानती हूँ वो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा मुझे हर जगह दिखाई पड़ती है। कावेरी संभालो अपने आप। देखो वो मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। सर वो वापस आ गई है, नहीं तो मुझे फिर क्यों बार बार दिखाई पड़ती है? बार बार
रागिनी की ननद कार्तिका ने हमें बताया कि रागिनी की मौत होने से थोड़ी देर पहले वो किसी से मिलने वाली थी। यही था वो सर, किसी से मिलने वाली थी। सर वो मैं नहीं था सर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। सर मैंने तो उसे कितने सालों से देखा भी नहीं है सर। अच्छा तो फिर ये लेटर्स क्यों भेज रहा है, हैं? सर सर मैंने ये लेटर नहीं लिखे हैं सर। तो किसने लिखे हैं? किसने लिखे हैं? इन लेटर्स की वजह से मर गई है वो, तुम्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। सर सर प्लीज सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर। सर मैंने तो कितने दिनों से उसकी आवाज भी नहीं सुनी सर। अच्छा ठीक है, देख याद है तुम्हें मैंने कहा था कि जब तुम इसकी पूछताछ करोगे तो मैं अपना मुंह मोड़ लूंगा। ये लो मैंने अपना मुंह मोड़ लिया, करो पूछताछ। सर प्लीज सर मेरे दूर रखिए सर। सर प्लीज प्लीज सर, सर ये दूर रखिए। 3 साल से तू उस लड़की को तंग कर रहा है। ये गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। गलत है, गलत है। ये ले, लिख लिख इस पे, लिख। सर यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम मी, आई विल गेट यू वन वे और द अदर। सर लिख इस पे, मुझे मत बसाइए सर। सर प्लीज नहीं लिखेगा, लिखता ही मैं कुछ और सोचूं। लिखता हूं सर। हां लिखता हूं। लिख कावेरी, देखो टेंशन की वजह से तुम्हें वो लड़की दिख रही है। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। सर मुझे बार बार दिखती है। मैं समझता हूं, लेकिन वो लड़की नहीं है, ये तुम्हारा गिल्टी कॉन्शियंस है, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी आंखों के सामने मर गई है, समझे? लिख दिया। एकदम वही सर। हाँ एकदम वही हैंडराइटिंग, इसी ने लिखे लेटर सर। बताओ क्यों लिखे थे ये लेटर्स, जब तुम्हें मालूम था कि रागिनी की शादी हो चुकी है? क्यों शादी से पहले भी तो भेजे थे इसने? हाँ मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ। अब आ गए ना रास्ते पे, क्या मानते हो? मैं मानता हूँ मैं उससे प्यार करता था, उससे मारता भी था। प्यार भी करते थे और मारते भी थे? हाँ फ्रेडरिक्स इसे लॉकअप में ले जाओ और इसके अरेस्ट के पेपर बनाओ। सर प्लीज सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर। सर ये मैंने नहीं किया सर। तो तुम्हारे हैंडराइटिंग मैच कैसे हो रहे हैं? हाँ सर कोई मेरी हैंडराइटिंग में लेटर लिख रहा है सर, मैं सच कह रहा हूँ। ले जाओ इसे। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। सर प्लीज सर मेरा सर सर एक मिनट सर प्लीज। तुम भी जाओ इसके साथ। यस सर। दे चलो इस कावेरी को रागिनी की मौत का बड़ा सदमा पहुंचा है। हाँ सर, कावेरी को लगता है कि रागिनी की आत्मा उसका पीछा कर रही है। वहां होटल में बहुत मुश्किल से संभाला सर मैंने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज तुम उसके साथ ही रहो। यस सर। थैंक्स। कावेरी देखो फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां पे, और तुम यहाँ अभी अकेली नहीं हो, समझी? थैंक यू सर, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, सीआईडी में तो रात दिन का काम है ये। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपके लिए कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रात को सोने वाला नहीं हूँ। सर मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, मैंने रागिनी को देखा है। उसकी लाश वहाँ मुर्दाघर में अभी भी पड़ी है। सर मैं जानती हूँ उसकी लाश अभी भी मॉर्ग में है, मगर मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास है। कावेरी मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि ये रागिनी सिर्फ तुम्हें क्यों दिख रही है, हम में से किसी को क्यों नहीं दिख रही है वो? सर शायद वो रागिनी नहीं उसकी आत्मा हो। देखो आप लोग ये रात को आत्मा वात्मा की बातें मत किया करो। कावेरी एक सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद इन सब बातों पे विश्वास करती हो तुम? सब रागिनी शायद सिर्फ मुझे ही दिखती है, क्योंकि उसकी मौत के वक्त मैं वहां मौजूद थी। अब शायद उसकी आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती है। फिर वही बात, अपने आप को संभालो कावेरी। देखो तुम्हें याद है कि रागिनी ने तुम्हें बाथरूम के अंदर बंद कर दिया था और फिर वो वहां से भागी थी, हा? तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम कैसे होगी? सर, रागिनी,
फुटप्रिंट्स। अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं सच कह रही थी। मैंने तुम्हें कावेरी की देखभाल करने के लिए भेजा था, ना कि उसके जैसे बनने के लिए। सर, पहले मुझे भी यही लग रहा था कि ये कावेरी का वहम है, मगर अब मैंने भी। तुमने भी क्या? सर, मैंने रागिनी को देखा था। ओ कम ऑन दया, तुम तो ऐसी बातें मत किया करो। और तुम तो एक मेरे होनहार ऑफिसर हो, तुम्हारे मुझसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती, समझे? सर, दया सर सच कह रहे हैं। क्या सच कह रहे हैं? कावेरी रागिनी की बॉडी अभी भी मॉर्ग में है, वो तुम्हारे घर के बाहर नहीं आ सकती, समझे? एंड ऑफ डिस्कशन। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ और ही चक्कर हो? क्या मतलब? मतलब सर, रागिनी जैसे दिखने वाली कोई दूसरी लड़की हो, या फिर उसकी कोई जुबा बहन। तुमने भी देखा? हाँ सर, मैं भी भागा था सर। तुम्हारा कहने का मतलब है कि रागिनी की जैसे दिखने वाली कोई लड़की है, या फिर उसकी कोई जुड़वा बहन है जो कावेरी को डराने की कोशिश कर रही है? क्या हो सकता है, है? हो सकता है सर। क्या हो सकता है, है? ये जुड़वा बहनों का चक्कर मैंने फिल्मों में देखा था, लेकिन सीआईडी में ऐसी बातें होना, मतलब चलो मान लिया कि रागिनी जैसे दिखने वाली कोई लड़की है, लेकिन अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो कावेरी के पीछे क्यों पड़ी है। सर, एक बात और है, अब वो लड़की, मेरा मतलब रागिनी, ने वही कपड़े पहने हुए थे जो असली रागिनी ने मरते वक्त पहने थे। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब ये सारी बातें रागिनी के खून से जुड़ी हुई हैं। सर, अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि इस रागिनी ने सुसाइड किया है या नहीं। हमें इस नकली रागिनी को ढूंढना होगा। क्या बात है रागिनी? आप? हाँ, मैं। रागिनी की अंतरात्मा। तुम्हें भागने की क्या जरूरत है, है? शॉर्टकट का जमाना है, उड़कर चली जाओ। तुम तो आत्मा हो, पर आत्मा तो वैसे भी उड़ते ही रहते हैं ना, क्यों? रागिनी, तुम रागिनी हो ना? मैं। असली नाम क्या है तुम्हारा, बताओ? मैनजी। मैनी, तुमने ये सब क्यों किया? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ, पैसों के लिए। एक्चुअली मैं एक एक्ट्रेस हूं, और मुझसे ये कहा गया था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। मगर तुम रागिनी कैसे बन गई? मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। वो मैं ही थी जो स्विमिंग पूल में कूदी थी। मगर पूल में तो हमें असली रागिनी की लाश मिली थी। वो किसी ने कहीं से लाकर डाल दी होगी। पूल से निकलने के बाद मैं झाड़ियों के पीछे छुप गई और फिर वहां से भाग गई। हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी ने असली रागिनी की लाश को पूल में डाल दिया हो। डाल दिया होगा मतलब? सर, मतलब मैंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा ना, मैं तो वहां झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। मतलब किसी ने असली रागिनी का खून करके उसकी लाश पूल में फेंक दी। शायद। इस सब के पीछे कौन है? कौन दे रहा था पैसे तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने बस उसकी आवाज फोन पर सुनी थी। मैं सच कह रही हूँ, उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। एक हाथ ऐसे दूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। पूल से निकलने के बाद मैं तो अपने घर की तरफ भाग गई थी। अगर तुम भाग गई थी तो तुम बार बार कावेरी से मिलने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कावेरी को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन जब भी मैंने इनसे मिलने की कोशिश की,
कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं डर गई और यहाँ से भाग गई। तब से मैं छुपती फिर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ उससे किसी की जान जा सकती है। मुझे सच में कुछ नहीं मालूम था और अब वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो मैं यहाँ आ गई। कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? सर पता नहीं, पुल से निकलने के बाद जब मैं अपने घर की तरफ जा रही थी तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। किसी ना किसी तरह से अपनी जान बचाती हुई मैं वहां से भाग गई। चलो थोड़ी देर के लिए मानते कि तुम सच बोल रही हो, तो फिर वो कौन है जो रागिनी का खून करके ये दिखाना चाहता है कि रागिनी ने आत्महत्या की है? ये सीआईडी हर रोज हमें किसी न किसी बहाने से इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। मैं भी परेशान हो गई हूँ। एक बार में क्यों नहीं पूछ लेते जो पूछना है? ये क्या बार बार बार? ये तो तभी बंद होगा ना जब वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसने भाभी को लेटर्स लिखे थे। सिर्फ पकड़ा नहीं जाए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी रागिनी की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा खूनी पकड़ा जाएगा। उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। वो तो गायब हो गई। राखी की आत्मा? बदला लेगी वो। क्या कर रही है आप? मर जाएगी बेचारी। तुम लोग? हाँ हम लोग। हमें मालूम था तुम जरूर आओगी मैंडी को मारने के लिए, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानती थी कि ये मैंडी रागिनी नहीं है और ना ही वो कोई आत्मा। मुझे ऊपर भेजने वाली थी। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? कुछ ऐसे ही समझ ले। और इसीलिए तुमने रागिनी का खून कर दिया और लोगों को दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैंने रागिनी के अतीत के बारे में पता लगाया। मुझे पता चला कि समीर नाम का एक लड़का शादी से पहले रागिनी को धमकी भरे खत लिखा करता था। कहीं से समीर का एक खत मुझे मिल गया। ओह, तो समीर की हैंडराइटिंग आपने वहां से चोरी कर ली? हाँ, मैंने बैंडी को पैसे का लालच देकर उसे रागिनी बनाया। कई बार मैंने इसे पागल भर के नाटक करवाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसने पागलपन में आकर ही आत्महत्या की है। वो लड़की जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, रागिनी मेरा मतलब वो मैंडी थी ना?
मैट गई थी, यही स्विमिंग पूल में कूदी थी। तो असली कहाँ थी? वो तो बेहोश थी। तो फिर असली रागिनी पूल में कैसे पहुंची? जैसे ही मैंडी स्विमिंग पूल से निकल कर भागी, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैंने असली रागिनी को घसीट कर पानी में ढकेल दी और मैं चुप कर। क्या क्या करते हैं लोग, जब बेटे की वाइफ थी तो बेटे को ही देखने देती कि बीवी अच्छी है या नहीं। पति पत्नी के बीच में ना घुसाने की क्या जरूरत थी? उसका खून ही कर दिया है? अब जिंदगी भर जेल में बैठना, फांसी ना हुई तो भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।